हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय नक्षत्र सीरीज पार्ट थर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कृतिका नक्षत्र व्हिच इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट सन। एंड यू नो वेरी वेल आई ऑलरेडी स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ नक्षत्र एंड आई मेक टू वीडियोज ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड नक्षत्र। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड नक्षत्र ऑफ दिस सीरीज, दैट इज़ कृतिका नक्षत्र। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कृतिका नक्षत्र को आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा कि कौन सा प्लैनेट इसका लॉर्ड है और कौन से हाउसेस में, कौन से साइंस में कृतिका नक्षत्र की डिग्रीज आती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो क्लियर होगा अबाउट कृतिका नक्षत्र कि क्या गुण हैं, क्या स्वभाव हैं, ये मैं आज आपको सब बताऊंगा। इसके क्या इम्पैक्ट हैं कृतिका नक्षत्र के, और अगर कृतिका नक्षत्र किसी का है तो उस बंदे की नेचर कैसी होगी, उस बंदे का लाइफस्टाइल कैसा होगा, थॉट प्रोसेस कैसे होंगे, लाइफ में वो आदमी कितना ग्रो करेगा, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कि जो पहला नक्षत्र था वो 0 से लेकर 13.20 डिग्री पे था, और सेकंड नक्षत्र जो था वो 13.20 से लेकर 26.40 डिग्री पे था, और अब ये थर्ड नक्षत्र कृतिका 26.40 से लेकर 40 डिग्री तक है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर एक हाउस में 30 डिग्री है तो ये 40 डिग्री कैसे होगा। तो एरीज साइन में हर एक घर में 2.25 नक्षत्र को स्थान दिया गया है। 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का पहला चरण मेष राशि में रहेगा, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण यानी कि जो बाकी के 10 डिग्री हैं वो टॉरस साइन में रहेंगे। तो जो टॉरस साइन की स्टार्ट है नक्षत्र की, वो आप समझ के चले कृतिका नक्षत्र से स्टार्ट होती है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चरण में। और पहला और जो चौथा चरण है इस नक्षत्र के, उसके स्वामी के गुण जो हैं वो बृहस्पति के जैसे हैं। दूसरा और तीसरा जो चरण है उसकी जो लॉर्डशिप है या उसके जो गुण हैं वो सैटर्न के जैसे हैं। तो कृतिका नक्षत्र को सन रूल करते हैं। आप ये समझ के चलें, आपको ये जानना जरूरी है, अगर आपकी चंद्र राशि कृतिका है, आपका चंद्र नक्षत्र कृतिका है जिसमें आपका बॉर्न हुआ है, तो आपको ये जानना जरूरी है इस नक्षत्र के लॉर्डशिप जो है वो किसके पास, जो सन के पास है वो कहाँ प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में। तो आप ये समझ के चलें कि पहले तो हर एक हाउस में 2.25 नक्षत्र हैं, और हर एक हाउस में 2.25 नक्षत्र को स्थान दिया गया है। तो पहला 0 से 13.40 तक फर्स्ट नक्षत्र एरी साइन में, सेकंड 30.40 से लेकर 26.40 तक जो है वो भी एरिस में, फिर 26.40 से लेकर 30 तक का जो स्थान है कृतिका नक्षत्र का वो एरिस में है, 30 से लेकर जो आगे की डिग्रीज जाती हैं वो टॉरस में चली जाती हैं। हाँ, तो कृतिका नक्षत्र को लेकर मैं आपको दो चीज़ें बड़ी साफ सी बताऊंगा। जो कृतिका नक्षत्र के बोर्न लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और इगोइस्टिक हैं। इगोइस्टिक कैसे हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादातर जो होगा वो आप उनको ऐसे लेंगे कि इनके अंदर ईगो बड़ी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके अंदर ईगो नहीं होती, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिस वजह से वो ईगोइस्टिक लगते हैं कि यार इस बंदे के अंदर तो ईगो बड़ी है। ईगो नहीं है क्योंकि ये सेल्फ मेड मैन होते हैं और बहुत ज़्यादा ये जिसको बोलते हैं अपनी रिस्पेक्ट को अहमियत देते हैं। जो कृतिका नक्षत्र में पैदा होंगे बच्चे, वो लोग अपना कभी भी स्वाभिमान खोने नहीं देंगे, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड ज़रा भी नहीं होते, दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं और अपनी ज़ुबान के पक्के होते हैं। अगर आप कृतिका नक्षत्र में बॉर्न हो तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे गुण ये पाए जाएंगे कि आप जो बोलते हो वो आप करते हो और जो नहीं बोलते वो आप नहीं करते। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है कि कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए जो लोग होते हैं वो उनके अंदर ईगो नहीं होती, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन सामने वाले को ऐसे लगता है कि इनके अंदर ईगो है, अहम है, अहंकार है, जबकि ऐसा नहीं है। कृतिका नक्षत्र वाले लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे लेके चलते हैं। इनके लिए अपना अस्तित्व, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी बातों की रिस्पेक्ट और जो किसी को बोल दिया वो करने की चाहत रहती है। अगर कृतिका नक्षत्र में बॉर्न पर्सन आपको कोई कमिटमेंट करेंगे तो वो 100 out of 100 उस कमिटमेंट पे खरे उतरेंगे, क्योंकि यही इनकी पर्सनैलिटी है।
अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के जो लोग हैं बहुत अच्छे और सफल, जिसको बोलते हैं हम अकाउंटेंट्स पाए जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पाए जाते हैं, मेडिकल लाइन इनको बड़ी सूट्स रहती है, बहुत सारे कृतिका नक्षत्र के लोग देखेंगे जो मेडिकल लाइन में हैं और उस लाइन में उन्होंने बहुत तरक्की करी है, या ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अकाउंट्स के काम में, फाइनेंस के काम में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है, इज्जत पैसा शोहरत सब कुछ मिलती है अगर ये इन फील्ड्स में जाते हैं तो। बहुत ज़्यादा कृतिका नक्षत्र के लोग मैंने लेडीज़ रिलेटेड किसी ना किसी काम से जुड़े भी देखे हैं, गारमेंट रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम से जुड़े भी इन लोगों को काफ़ी खासा अच्छी तरक्की देखने को मिलती है। अगर आपका बर्थ कृतिका नक्षत्र का है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में जो टॉरस साइन है वो कहाँ पर है, और आपके जो नक्षत्र के लॉर्ड हैं सूर्य वो कहाँ पर प्लेस्ड हैं, और गुरु और शनि कहाँ पर प्लेस्ड हैं। क्या इन प्लैनेट्स में किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, क्या इन प्लैनेट्स पे किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेचुरल बेनिफिक या नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है। तो आप ये सोचें अगर शनि के ऊपर किसी भी नेचुरल मैलेफिक का एस्पेक्ट है तो वो शनि की पावर्स को और इनहेंस कर देगा, और अगर जुपिटर के ऊपर किसी नेचुरल मैलेफिक का एस्पेक्ट है तो वो जुपिटर की अच्छे गुणों को थोड़ा सा कम करेगा। सो आई मीन टू से कि अगर कृतिका नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे लेके चलने वाले, प्लस बहुत अच्छे फाइनेंस का काम करने वाले, अकाउंटेंट्स का काम करने वाले, और जो कृतिका नक्षत्र है ये 6 तारों का समूह है, आप ये ना भूलें, जैसे कि लास्ट नक्षत्र जो था भरनी वो 3 तारों से बना था, कृतिका नक्षत्र 6 तारों के समूह से बना हुआ है, और कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा आप समझ के चले अपने आप की, अपनी फिजिक की, अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इनको हमेशा अपने आप को लेकर एक अच्छा, जिसको बोलते हैं किसी के भी सामने प्रेजेंटेशन करना, ये इनके गुणों में पाया जाता है। जो भी कृतिका नक्षत्र के लोग होंगे उनको हमेशा यही होगा कि नहीं यार मेरी जो प्रेजेंटेशन है दूसरे के सामने वो अच्छी जाए। तो कृतिका नक्षत्र के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने वर्ड्स के लिए जान तक देने वाले होते हैं, और ऐसे लोग अगर मेडिकल लाइन से जुड़े, डॉक्टर बन जाएं या अकाउंटेंट्स बन जाएं, सीए बन जाएं, तो बहुत ज़्यादा कामयाब होते देखे गए हैं। अगर आपका कृतिका नक्षत्र है और आपका मून जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, डिग्रीकली मून जो है वो आपका समझ लें 1 से लेकर 10 डिग्री के बीच में है टॉरस में, तो जो आपका जन्म नक्षत्र है वो कृतिका है, तो कृतिका के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ चलेगी। इन लोगों की जो लव लाइफ है अगर उसके बारे में बात करें तो ये लोग या तो अपनी लव मैरिज करेंगे या इनकी शादी अपने जान पहचान में होगी, और वही शादी इनकी सक्सेसफुल होगी जो इनकी लव मैरिज होगी या जो इनकी जान पहचान में होगी। अगर ये अरेंज मैरिज करते हैं तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी या इनका डिवोर्स तक हो सकता है। कृतिका नक्षत्र वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को मायने रखते हैं, तो अपने रिलेशनशिप को लेकर स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, और इनका स्पाउस भी जो इनको मिलता है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट मिलता है, और इनका रिलेशनशिप अपने, अगर इनकी लव मैरिज होती है या जान पहचान में मैरिज होती है तो इनका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ बहुत बढ़िया चलता है। सो गाइज, यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ मून प्लेस्ड इन टॉरस साइन, किस डिग्री का मून है आपके टॉरस साइन में, क्या आपका जन्म नक्षत्र जो है वो कृतिका है, अगर है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बृहस्पति शनि की क्या पोजीशन है आपके चार्ट में, और सन की क्या पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट में, सन किस हाउस में प्लेस्ड हैं, क्या उनके ऊपर किसी मैलेफिक या बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, जुपिटर सैटर्न के ऊपर किसी मैलेफिक या बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है। तो आप ये समझ के चलें, आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, और अगर आप कृतिका नक्षत्र में जमे हैं और आप आने वाले समय में कुछ करियर के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे सफल सीए का काम में जा सकते हैं, अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, 2nd नंबर पर मेडिकल लाइन है, 3rd नंबर पर अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो गारमेंट्स का काम है, और आप फोकस करें अगर आप अनमैरिड हैं तो अरेंज मैरिज बिल्कुल ना करें अपने आप, क्योंकि आपकी शादी सक्सेसफुल वहीं होगी जहाँ पर आपकी जान पहचान वाली आपका स्पाउस होगा, आपका या तो लव अफेयर होगा या आपके फ्रेंड सर्कल में ही होगा, जिसको जो आपका नोन होगा, जिसको आप काफ़ी लंबे समय से जानते होंगे। सो यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लैनेट्स यू हैव एंड विच टाइप ऑफ सन प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट, बिकॉज सन रूल्ड बाय कृतिका नक्षत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।